अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ पहले से, और इसीलिए आज मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ अपलोड करने के लिए। और 2-3 दिनों से तो मेरी तबीयत काफ़ी ठीक नहीं थी, ख़राब थी, तो वीडियो तो बन के रखी हुई थी लेकिन मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। ये वीडियो जो आप देख रहे हो ना, ये मेरे पहले वाले घर का है जहाँ मैंने बहुत सारी तैयारियाँ की थी यहाँ आने के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आने के बाद भी इतनी तैयारियाँ, मतलब इतनी सफाई, इतनी क्लीनिंग, सब कुछ करना पड़ेगा। तो बस ये उसी दिन रात का वीडियो है जिस दिन हम लोग यहाँ आने वाले थे, उसकी एक रात पहले का वीडियो है जिसमें लास्ट में जो थोड़े बहुत कपड़े बचे थे ना, वो इतने सारे थे कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस मैंने अलग अलग सेक्शन बना लिया, गठरियाँ बना ली, जिसमें एक गठरी में आतिफ जारून के कपड़े रखे, एक पोर्शन मैंने जारून का रखा, एक आतिफ का रखा, और दूसरी एक गठरी बनाई जिसमें मैंने खुद के कपड़े रखे, तीसरी अपने हस्बैंड की। इस तरह से मैंने मैनेज किया ताकि यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक ना हो जाए, और इस तरह से ना मेरा काम जो है बहुत ही आसान हो गया था। जब हम यहाँ मूव हुए ना, तो ऐसा लग रहा था कि सारा घर इतना भरा हुआ है, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से शुरुआत करें। बहुत मुश्किल था ये दिन जब हम यहाँ पे आए, बहुत ज़्यादा इमोशनल थी मैं अंदर से, और आने के बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। थोड़ी देर, 1-2 घंटे तो मैं बिल्कुल शांत हो गई थी, अपने माइंड को सेट करने में मुझे टाइम लग रहा था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी क्योंकि सारा दिन काम करना पड़ गया था, काम वाली ने भी काम छोड़ दिया था ऐसे वक्त में, तो सब कुछ मुझे करना पड़ा और एक्स्ट्रा काम मैं कर ही रही थी काफ़ी दिनों से। तो ये सब कुल मिला के ना मेरी जो तबीयत है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, और धीरे धीरे फिर आपको तो पता ही होगा, फिर जब एक दिन हम काम करते हैं तो उसके अगले दिन हमारी हालत क्या ही होती है। तो बस मेरा वही हाल था, एक्साइटमेंट में मैंने इतने काम तो निकाल लिए थे लेकिन करते करते तो मेरी कमर ही टूट गई थी। फिर ये फर्स्ट डे का ही वीडियो है जिस दिन मैं आई थी यहाँ। हम लोग 3-4 बजे दोपहर में ही आ गए थे, और उसके बाद खाना तो हम वहाँ खा लिया था, हमने बिरयानी मंगवा ली थी होटल से, मैंने खाना नहीं बनाया था। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर रात में मैंने खिचड़ी बनाई गरम गरम, और चटनी बनाई, और मुझे इतनी सर्दी हो गई थी ना, कंटिन्यूसली मुझे छींकें आ रही थी और बुखार भी लग रहा था। यहाँ पे मैं सो के उठी थी और फिर मैंने जल्दी से बनाया खाना, बाकी तो सारा काम एक तरफ मैंने कुछ भी नहीं किया, और मुझे अंदर से अच्छा भी नहीं लग रहा था क्योंकि जहाँ आप इतने साल रहते हो उसे छोड़ना आसान नहीं होता है किसी के लिए। यहाँ जब हम आए उसके दूसरे दिन तो मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। उसके सेकंड डे मैंने बेडशीट निकाली जो कि मैंने नई मंगवाई थी और लिविंग एरिया के लिए, तो ये मैं रिव्यू आपको दे दूँ। बहुत अच्छी लगी मुझे ये बेडशीट, और इसे लगने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, आपको समझ में आएगा, बहुत औसम लग रही है लगने के बाद। वैसे अभी ठीक से पर्दे वर्दे लगे नहीं है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। और उसी शाम मैं बच्चों को लेके गई थी बाहर ताकि उनका भी मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए, नए फ्रेंड्स बन जाए। तो बस मिल गए थे इन्हें इनके दोस्त, और इन्होंने यहाँ पे गेम खेला थोड़ी देर तक, और मैं यहाँ पे वॉक कर रही थी। जब हम बाहर से आए तो फिर मैंने घर की थोड़ा बहुत जो है सेट करना शुरू किया। हाथ पर बिल्कुल ढीले पड़ गए थे, शुरुआत में कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने हिम्मत की और जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा थोड़ा काम शुरू करना स्टार्ट किया। और क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी थे, वो उस घर में थे, और जो जो और भी लाना था, सामान आना था, तो वो सब वहाँ पे देख रहे थे और इधर का मैं देख रही थी, तो जितना मुझसे हो सक रहा था मैं कर रही हूँ। और जो मेरी काम वाली है वो बहुत अच्छी है, मेरी बहुत हेल्प करती है, तो उससे भी मैं करवाती रहती हूँ। और ये माइक्रोवेव आप देख रहे हैं, ये मैं यूज़ ही नहीं कर रही थी अभी बिल्कुल, लगभग 1-1.5 महीने से ये बिल्कुल बंद था, तो इसकी सफाई भी नहीं हो रही थी, बस मैं ऊपर से कर देती थी। तो बस आज मैंने सोचा सबसे पहले से अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अलग यहाँ तो ये भी काम हो ही जाएगा। और सब घर के काम से फुर्सत मिलने के बाद मैंने अपने बच्चों को भी बिल्कुल मैं भूल गई थी, तो आज मैंने ऑयलिंग की बहुत दिनों बाद, और ख़ुद की भी करवाई,
और मैंने इनकी सेवा की और इन्होंने मेरी सेवा की। और अभी आगे दिखाऊंगी कि सारुन ने इतने अच्छे से मेरी सर की जो है मसाज की, ऑयलिंग की, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला मुझे। और जब भी इस तरह से मुझे कराना होता है ना तो मैं सारुन को या आतिफ को बोलती हूँ, तो वो लोग ना मेरी कर देते हैं मसाज, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरे की केयर की, फिर मैं सो गई थी। अब मैं आपको दिखाऊंगी सुबह का नज़ारा। यहाँ पे मॉर्निंग में बहुत अच्छा फील होता है और अच्छी ग्रीनरी देखने को मिलती है, तो मैं चाय अक्सर यहाँ लेके आ जाती हूँ। और वैसे अभी तो 2-3 दिन हुए हैं लेकिन मैं यहीं पे ही चाय ले आती हूँ, पी लेती हूँ, कोई भी नहीं होता है। और बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पे सुकून मिलता है और चिड़िया जो है वो चहचहाती रहती है। और बस पौधों को देखो तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और अभी मेरी जो गैलरी है ना बहुत ही सुनी है, यहाँ पे भी मैं पौधे रखूँगी जो मैंने वहाँ पे अभी छोड़ दिया है। आज हम लोग इंशाल्लाह लेके आएंगे और सारे पौधे मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। मॉर्निंग के बाद मैंने सारे काम किए, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, सबको दिया, मैंने खुद भी खाया और काम वाली से जो काम मैंने करवाने थे किए, कपड़े धुलवाए, मैंने खुद सुखाए। और ये सब करने के बाद बच्चों को तैयार किया, खुद भी तैयार हो गई और फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ से। और जाना था मुझे अपने घर और मार्केट, दोनों ही जगह। तो सबसे पहले तो मैं मार्केट गई क्योंकि मुझे बहुत कुछ ऐसा लेना था जो मुझे बहुत ज़्यादा, जिसकी नीड थी, जो मैं हड़बड़ी में ले नहीं पाई थी, तो बस वही मैं लेने चले गई यहाँ पे। और जो जो मुझे ज़रूरत थी मैंने सारी, अभी बस आना जाना चल ही रहा है। और बस आज का वीडियो यहीं तक के, मैंने बहुत ज़्यादा जो है रिकॉर्डिंग नहीं की है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत कुछ दिखाऊँगी। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।